हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपके दुआ से हम सब भी ठीक हैं। तो अभी शाम का टाइम है तो हमारे छत पे और अदीबा भी नीचे है, वो नानी के पास है। आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है, हवा बहुत ही अच्छा चल रहा है और मौसम देख सकते हैं कितना प्यारा। गाइज, अदीबा तो नीचे ही रह गई और अकेले हम ऊपर हैं, तो अब जा रहे हैं नीचे। अम्मी आई है तो वो साग जो होता है लाल वाला साग, हम सब तो लाल वाला साग बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं वो गेनारी का साग, तो उसी का अम्मी बोली है पकौड़ा बनाने के लिए। तो बस वही जा रही हूँ पकौड़ा बनाने के लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए अभी से ही बनाने जा रही हूँ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं जा रही हूँ साग का पकौड़ा बनाने के लिए, तो आप सबके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। साग के सारे पत्ते को तोड़ लेना है और पत्ता ही डालना है, और पत्ता को देखिए काट कर और इसको अच्छे से धोकर और रख दिए हैं। अब आगे की तैयारी करते हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, जीरा, मरीच, सब सारी चीज़ का पेस्ट बना लिया और पेस्ट को इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसमें डालेंगे बेसन। बेसन हमने लिया है एक कटोरी, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं।